एनएचयूआई ने सहायक आयुक्त आबकारी और एक क्लर्क को पद से तत्काल हटाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे एनएसयूआई के सदस्यों ने यहां प्रदर्शन कर सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे को पद से हटाए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे और क्लर्क विवेक उपाध्याय के ऊपर ईओडब्ल्यू में फाइल दबाए जाने का मामला दर्ज है। आर्थिक अनियमितताओं के आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है, लिहाजा इन्हें पद से तत्काल हटाया जाए। आज जबलपुर एनएसओआई के द्वारा आबकारी सहायक जो आयुक्त हैं दुबे जी और उनके क्लर्क हैं अग्रवाल जी, इन्हें इनके खिलाफ लगातार आबकारी के विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अभी एक माह पहले इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था और उन्होंने एक महीने अपनी रेवेन्यू की फाइल अपने कार्यालय में रखी थी और 3 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ था जो मध्य प्रदेश सरकार को हुआ था, परंतु इनकी राजनीतिक पहुंच के चलते इनको बार बार इनका ट्रांसफर होता और बार बार जबलपुर आ जाते हैं। इनके ऊपर पहले भी गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं और सिद्ध भी हुए, जिसको लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय से एक पत्र के माध्यम से उनको बताया कि इनके ऊपर पद से हटाया जाए और निष्कासित किया जाए। यदि नहीं होता तो एनएसओआई 24 घंटे के भीतर किसी प्रकार के बड़े आंदोलन की चेतावनी देता, यदि इसकी पूर्ण जवाबदारी कलेक्टर महोदय की होगी। एनएसयूआई ने आगाह किया है कि यदि इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे उग्र आंदोलन करने मजबूर होंगे।